Dear students, today our topic is about office supplies. ऑफिस सप्लाईज, जैसे ऑफिस के काम आने वाली चीजें, पेन्स, पेंसिल्स, रबर्स, शार्पनर्स, ये सारी चीजें ऑफिस सप्लाईज में आ जाती हैं। और ये असेट हैं, बल्कि करंट असेट हैं। ऑफिस सप्लाईज करंट असेट्स हैं और इनकी ट्रीटमेंट भी उसी तरह से होती है जिस तरह से प्रीपेड की होती है। ऑफिस सप्लाईज को कुछ लोग, कुछ कंपनीज एज एन असेट लेती हैं और कुछ लोग इसको एज एंड एक्सपेंसेस लेते हैं। वो कहते हैं ये हमारे एक्सपेंसेस ही हैं, खर्च हो गए हैं। ये ऐसी एसेट है जो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होती है, कन्वर्ट होती है एक्सपेंसेस में। इसके लिए भी हमें ओरिजिनल एंट्री का पता होना जरूरी है। सपोज करें कि जनवरी 1 को हमने 5000 की ऑफिस सप्लाईज खरीदी हैं, तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट 5000, कैश क्रेडिट 5000। आज है, सपोज करें जनवरी 31st, हमने इस ऑफिस सप्लाईज में से 2000 की ऑफिस सप्लाईज खर्च कर दी है। जब खर्च कर दी है तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम डेबिट करेंगे और खुद ऑफिस सप्लाईज डिक्रीज हो गई है तो ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट करेंगे 2000 के लिए। और यहां लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज एडजस्टेड, ठीक है। कुछ कंपनीज की पॉलिसी यह होती है कि वो ऑफिस सप्लाईज को एज एंड एक्सपेंसेस लेते हैं। वो क्या करते हैं कि जनवरी 1 वाली ये एंट्री जो है वो इस तरह करते हैं कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट 5000, कैश क्रेडिट 5000। अकाउंटिंग कहती है कि ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन आज है जनवरी 31st, हमारी ऑफिस सप्लाईज खर्च हुई है 2000 की, लेकिन हमने लिखी है 5000 की। कितना ज्यादा लिखा है? 3000 ज्यादा लिखा है। और ये 3000 क्या है? ये एसेट पड़ी हुई है हमारे पास, और जब एसेट पड़ी हुई है तो एसेट हमारी इंक्रीज हो गई तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो जाएगी 3000 के लिए और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाएंगे
3000 के लिए, और यहां पर लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज एडजस्टेड। देखें इसमें क्या है कि हमने लिखी है कि हमारी खर्च हो गई 5000 की, लेकिन खर्च हुई है 2000 की, तो कितनी खर्च नहीं हुई है, जो खर्च नहीं हुई है वो हमने लिख लिया है। जब एसेट रिकॉर्ड हो, ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो ओरिजिनल एंट्री में, तो हम फोकस करेंगे कि कितना खर्च हुआ है। एंट्री उसी अमाउंट से होगी जितना खर्च हुआ है, और अगर हम करते हैं एक्सपेंसेस से तो हम फोकस करेंगे कि कितना खर्च नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ है उसी अमाउंट से एंट्री होगी। जो चीज ओरिजिनल एंट्री में या ट्रायल बैलेंस में या ब्रैकेट में डेबिट होती है वो हमेशा क्रेडिट होगी। क्लियर? अब हम इसकी कुछ एंट्रीज करते हैं। इसमें हमें चार किस्म की एंट्रीज से वास्ता पड़ता है। नंबर वन, अगर इस तरह से आ जाए ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस 1000 ब्रैकेट में ऑफिस सप्लाईज 3000, इसका मतलब यह है कि हमने ओरिजिनल एंट्री ऑफिस सप्लाईज यानी एसेट से की है और हमारा खर्चा 3000 की हमने खरीदी थी और 1000 हमारा खर्चा हो चुका है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री होगी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट 1000 ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 1000 ऑफिस सप्लाईज एडजस्टेड। अब उसके बाद अगर यही एंट्री इस तरह से दी जाए ऑफिस सप्लाईज 1000 ब्रैकेट में भी ऑफिस सप्लाईज 3000, इसका मतलब यह है कि ऑफिस सप्लाईज हमने 3000 की खरीदी थी और अब बाकी हमारे पास पड़ी हुई है 1000 की। 3000 की खरीदी थी, 1000 की पड़ी हुई है, तो खर्च कितनी हुई, 2000 की खर्च हुई। ये उसी तरह से है कि 100 रुपए हमारे पास थे और अब बाकी 30 रुपए हैं, तो खर्च कितने हो गए, 70 रुपीज खर्च हो गए। तो एंट्री क्या होगी, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट 2000 ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 2000 ऑफिस सप्लाईज एडजस्टेड ऑफिस सप्लाईज एडजस्टेड। क्लियर? अब हम आते हैं एज एंड एक्सपेंसेस लिया जाए। सपोज करें
इस तरह से ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस 3000। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारी ऑफिस, हमने लिखा था खर्च के 3000 खर्च हो चुका है, लेकिन हमारे पास पड़ी हुई है 1000। मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि जब हम एक्सपेंसेस लिखें ओरिजिनल एंट्री में, ब्रैकेट में, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस हो, तो हम फोकस करेंगे कि कितने एक्सपेंसेस नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए हैं वो ये है, हमारे पास ऑफिस सप्लाईज कितनी पड़ी हुई है 1000 की, तो हम एंट्री पास करेंगे ऑफिस सप्लाईज डेबिट 1000, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस क्रेडिट 1000। नरेशन में वही आएगा, ऑफिस सप्लाईज एडजस्टेड उसके बाद इसी की दूसरी एंट्री इस तरह भी आ सकती है कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस 1000, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस 3000। इसका मतलब यह है कि हमारे पास ऑफिस सप्लाईज खर्च जो हुई, हमने लिखा था कि 3000 की खर्च हो चुकी हैं, लेकिन खर्च हुई है 1000 की, तो हमारा फोकस यह है कि कितनी खर्च नहीं हुई है। तो 2000 की खर्च नहीं हुई है, 2000 की खर्च नहीं हुई है तो वो हमारी असेट है, यानी ऑफिस सप्लाईज है, असेट इंक्रीज हो रही है तो हम डेबिट करेंगे। और 2000 की खर्च नहीं हुई है तो इसका मतलब है एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस क्रेडिट 2000। नरेशन में लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज एडजस्टेड, ठीक है। हमें इस चीज पर फोकस करना है कि हमारी कितनी खर्च नहीं हुई है जब हमारी ओरिजिनल एंट्री एक्सपेंसेस में हो, और जब हमारी ओरिजिनल एंट्री एसेट से रिकॉर्ड की गई हो, यानी ब्रैकेट में ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ हो, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, ठीक है। खुदा हाफिज।